डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जनसंख्या। तो देश के विकास के लिए जनसंख्या जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। इसीलिए किसी भी देश का जब जनसंख्या अच्छी होगी तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा और देश का विकास होगा। तो इसमें जो है हम भारत और ब्राज़ील की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु अगर हमें देश की आर्थिक प्रगति करनी है या सामाजिक प्रगति करनी है तो जनसंख्या और उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। जनसंख्या तो होनी चाहिए, साथ ही साथ गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, अर्थात अच्छे उसमें गुण निहित होने चाहिए, तो जाकर किसी भी देश का आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से प्रगति की जा सकती है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें भारत और ब्राज़ील की जनसंख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो है आपको मानचित्र दिया गया है भारत और जनसंख्या। तो पहला जो है आपका जनसंख्या वितरण दिया गया है कि कहाँ पर जनसंख्या कम है और अधिक है। दूसरा जो है जनसंख्या का घनत्व दिया गया, इससे भी हमें यही पता चलता है कि कहाँ पर भारत में जनसंख्या अधिक है और कम है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस मानचित्र का पठन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक है अर्थात अधिक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है, जैसे यहाँ पर है 500 से अधिक, 500 से शुरू हुआ है, 500 से अधिक, उसके बाद 251 से लेकर 500 तक, फिर 101 से लेकर 250 तक, फिर 100 तक। इस तरह से आपको जनसंख्या को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले अभी पूछा गया कि कहाँ पर किन प्रदेशों में अधिक है। तो अधिक वाले प्रदेश जो हैं वह हमारे हो गए यहाँ पे पंजाब और हरियाणा राज्य, यहाँ पर हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। अब सबसे कम जो है, जो यहाँ पर लाइट में दिख रहा है, हल्के में, तो हल्के में यहाँ पे हमको महाराष्ट्र दिख रहा है, सॉरी 101 सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो हैं, अभी सबसे कम जनसंख्या का घनत्व का जो राज्य है, जो एकदम हल्का है, जो 100 से कम दिख रहा है, वहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस तालिका का आपको अध्ययन करना है। जैसे 100 से कम, अब 100 से कम जनसंख्या कहाँ पर है। तो 100 से कम अभी मैंने बताया कि जहाँ पर सबसे कम है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है, 100 से कम है। दूसरा है 101 से 250। अब 101 से 250 ये जो कलर है, ये 101 से 250 दिखा रहे हैं, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो जनसंख्या है ये 101 से लेके 250 के बीच है। तीसरा आपको दिया गया है यहाँ पे 251 से 500। अब 251 से 500 हमारा है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, इन सब स्थानों पे जनसंख्या जो है वह 251 से लेके 500 तक है। अगला यहाँ पे पूछा गया 500 से अधिक जनसंख्या। अब 500 से अधिक जनसंख्या यहाँ पर है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दक्षिण में है केरल, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में जो है जनसंख्या 501 से अधिक है। तो इस तरह से ये भारत की जनसंख्या है। अब हम देखते हैं भारत की जनसंख्या का वितरण किस तरह से किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी। 2011 में जनगणना की थी, 10 साल के बाद जनगणना की जाती है, अब 2021 में नई जनगणना होगी। तो जनगणना के अनुसार भारत विश्व में दूसरे स्थान का देश है।
जनगणना में जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या भारत की अधिक है, तो भारत में जो है जनसंख्या के अनुसार जो है दूसरे स्थान पर पाए जाने वाला देश है। इसके साथ ही साथ भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल मतलब एरिया, भारत का जो क्षेत्रफल जहाँ पे हम रह रहे हैं वो लगभग 2.41% है, 2.41% क्षेत्र ही भूमि का है, लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का फिर भी जनसंख्या यहाँ पर अधिक है, भूमि जो है वो खाली 2.41% है और रहने वाली जो जनसंख्या है वो लगभग 17.5% है, अर्थात 15% अधिक है। देख रहे हैं आप कि भूमि का जो क्षेत्रफल है वो खाली 2.41% है और जो जनसंख्या है वह लगभग 17.5% हिस्सा भारत में है। तो इस तरह से भारत में जनसंख्या जो है वह सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व औसतन मतलब औसत प्रतिशत जो है वो 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में लगभग 382 लोग रहते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी घनी जनसंख्या हमारे भारत देश की है। भारत में जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। आपने अभी मानचित्र देखा कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे जनसंख्या जो है वो 100 से भी कम है, जबकि भूमि प्रदेश है लेकिन 100 से कम है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखते हो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया या केरल तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर जनसंख्या 500 से अधिक है। तो कहीं पे आप देख रहे हो 250% जनसंख्या है, तो कहीं आपको दिख रहा है कि 101 तक या 250 तक ही है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है, इसलिए भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। और इसका प्रमुख कारण है कि प्राकृतिक संरचना, इसकी संरचना किस तरह की है, जलवायु एवं सुविधाओं की उपलब्धता का परिणाम, किस तरह की वहाँ पर जलवायु है और किस तरह से वहाँ पे उपलब्धता है, अर्थात जो भी संसाधन है वो किस तरह से उपलब्ध है, इस पर जनसंख्या का वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता के कारण अनेक शताब्दियों से इन भागों में मानवीय निवास बस्तियाँ बसे हैं। जहाँ पर जमीन की सुविधा होगी, मैदानी प्रदेश होगा, समतल भूमि होगी और पानी उपलब्ध होगा, वहाँ पे मानवीय निवास अधिक होंगे। जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा, जहाँ पे दुर्गम स्थान होगा, जहाँ पे ये सब संसाधन नहीं मिलेंगे या पानी उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ पे जनसंख्या कम होगी। कृषि व उद्योगों के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर पाया जाता है, जैसे भारत में उत्तरी मैदान हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु इत्यादि, यहाँ पर सारी जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे अभी हम जो है उत्तर प्रदेश को छोड़कर मुंबई की तरफ आ गए, उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध है, यहाँ पे इंसान अपना रोजगार स्थापित कर सकता है, यहाँ पे हमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए हम गांव छोड़कर शहर की तरफ चले आए। इसके विपरीत जो पर्वतीय प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, जहाँ पर खाली शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश है, ठंडा रेगिस्तानी प्रदेश है, घने जंगल हैं और दुर्गमता है मतलब कठिनाई है, सुविधाओं का अभाव है, ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का वितरण विरल पाया जाता है। तो इसलिए भारत में कई राज्यों में जनसंख्या अधिक है और कई राज्यों में जनसंख्या जो है वह हमें कम दिखाई देती है, यही प्रमुख कारण है। अब हम आगे देखते हैं ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील की जनसंख्या का वितरण किस तरह से है। अब यह जो है जैसे भारत में आपको दिया गया था उसी तरह से यहाँ पर ब्राज़ील जनसंख्या वितरण और ब्राज़ील का घनत्व आपको दिया गया है। अब इसमें देखते हैं हम कि किस भाग में जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित दिखाई देती है। अब जनसंख्या अगर आप देखोगे, जनसंख्या वितरण अगर आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो तटीय भाग है या ब्राज़ील का पूर्वी भाग, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व
अधिक दिखाई देता है वहाँ पर जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल एक 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 डॉट है। या यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो 300 से अधिक, मतलब जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, तो ये जो भाग है पूर्वी भाग, ब्राज़ील का पूर्वी तटीय भाग, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। किस भाग में जनसंख्या अत्यंत कम है, तो किस भाग में अत्यंत कम है, ये पश्चिमी भाग। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे पश्चिम की ओर देखोगे खाली एक एक डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ब्राज़ील के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल कम है। अब हम देखेंगे ब्राज़ील का भौगोलिक स्पष्टीकरण कि ब्राज़ील जो है, ये आपको पता ही है कि ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। उसको सर्वाधिक, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या 2010 के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या खाली 19 करोड़ थी, जबकि हमारे भारत देश की 2011 जनगणना के अनुसार 121 करोड़ की जनसंख्या थी। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि यहाँ पर जनसंख्या आप ब्राज़ील में देख रहे हो कि सिर्फ जनसंख्या 19 करोड़ ही थी, तथा ब्राज़ील विश्व में 5वें स्थान पर है। ब्राज़ील को जो है विश्व में जनसंख्या के अनुसार 5वें स्थान का देश है, जबकि हमारा भारत देश जनसंख्या के अनुसार दूसरे स्थान पे है, अर्थात यहाँ की जनसंख्या कम है ब्राज़ील की। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 5वें क्रमांक पर है। और अगर हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो हमारा भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान का देश है, लेकिन ब्राज़ील जो है वह 5वें स्थान का देश है, क्योंकि ब्राज़ील का क्षेत्रफल, ब्राज़ील का एरिया, ब्राज़ील की भूमि जो है वह अधिक है भारत की अपेक्षा, और भारत का कम है। पृथ्वी के भूभाग पर लगभग 5.6% भाग ब्राज़ील द्वारा व्याप्त है, मतलब 5.6 यहाँ पर भारत, ब्राज़ील का 5.6 है, और अगर आप भारत का देखते हो तो ओनली 2.41% ही है, किंतु विश्व की केवल 2.78% जनसंख्या ही इस देश में रहती है, अर्थात भूमि अधिक है और जनसंख्या कम है। भारत में इसका उल्टा है, भारत में भूमि जो है वह कम है लेकिन जनसंख्या अधिक है, इसलिए इस देश का घनत्व औसतन 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में ओनली 23, एक किलोमीटर में 23 लोग ही रहते हैं। ब्राज़ील में भी, और भारत में आप देखोगे तो 382 हैं, और जबकि ब्राज़ील में ओनली 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील में भी जनसंख्या का वितरण असमान है। आपने देखा यहाँ पर कि ब्राज़ील में भी असमान है। आप देख रहे हो पश्चिमी जो है, पश्चिमी भाग, वहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल कम है, न के बराबर है, किंतु ब्राज़ील का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर जनसंख्या अधिक दिखाई दे रही है। ब्राज़ील में भी जनसंख्या का वितरण इसी प्रकार से असमान दिखाई देता है। अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट में 300 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टे में पाई जाती है, और घनी जनसंख्या का यह क्षेत्र ब्राज़ील की तटीय समतल निचली भूमि में है। जो तटीय भाग है, ये तटीय भाग है, यहाँ पर ही जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है ब्राज़ील में। उसमें भी दक्षिण पूर्वी तट का भाग अनुकूल जलवायु एवं अधिवास हेतु उपयुक्त है। ये जो उत्तरी भाग है, जो यहाँ पर उत्तरी भाग है, दक्षिण पूर्वी तट, इसको पूर्वी तट कहा जाता है, तो पूर्वी तट का भाग भी जो है अनुकूल है अधिवासों के लिए। भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता के कारण, कृषि के कारण उद्योगों का इस भाग में विकास हुआ है। परिणाम स्वरूप इस भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अभी यहाँ पर अधिक तटीय भागों में जनसंख्या अधिक होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ पर जलवायु अनुकूल है, अधिवास हेतु उपयुक्त है, भूमि एवं संसाधन की उपलब्धता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है।
इसके विपरीत अमेजन घाटी के अधिकांश भाग में मानवीय अधिवास कम है। ये जो है अमेजन का घाटी है, ये अमेजन की घाटी है, तो यहाँ पर मानवीय अधिवास जो है वह कम पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है, अब प्रमुख कारण क्या है देखते हैं, कि प्रतिकूल जलवायु, यहाँ की जलवायु जो है वह मानवीय अधिवासों के लिए प्रतिकूल है। अधिक वृष्टि, बहुत अधिक बारिश होती है। दुर्गंधता एवं घने वनों के कारण इन भागों में मानवीय अधिवास हेतु बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब जहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो जाहिर सी बात है मानव जाति को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का वितरण विरल है। ब्राज़ील के मध्य एवं पश्चिमी भागों में भी जनसंख्या कम है। ये जो मध्य भाग है और ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व कम दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। जैसे एक व्यक्ति बराबर 80 व्यक्ति, एक व्यक्ति जो दिखाया गया है उसका मतलब होता है 80 व्यक्ति। तो इस तरह से अ और आ ऐसे दो आकृतियाँ आपको दी गई है और इस आकृति का आपको अध्ययन करके ढूंढना है कि अ में मानो जो है घनत्व, जनसंख्या का घनत्व जो है वह कितना है और आ में कितना है और किसका जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। अभी एक व्यक्ति बराबर 80, अगर हम इसका काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे 16 है। यहाँ पे जो व्यक्ति है एक, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो 16 है। तो हम 80 का गुणा 16 में कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 1280। अर्थात ये अ में जो है जनसंख्या का घनत्व खाली 1280 है। वहीं हम अगर ब की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 लोग हैं। ये व्यक्ति जो है इनकी संख्या 23 है। और अगर हम 23 × 80 करते हैं, 23 × 80, तो उत्तर आता है हमारा 1840। तो इस तरह से अगर हम प्रति व्यक्ति घनत्व देखते हैं, घनत्व की बात करते हैं, तो आ का घनत्व अधिक है। और अगर आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहते, जस्ट गिनती कर लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि किसका जो है जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तो इस तरह से ये हमारा भारत और ब्राज़ील की जनसंख्या है। इसके बारे में हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं भारत और ब्राज़ील के बारे में। जैसे कुल जनसंख्या भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ और ब्राज़ील की 2010 के अनुसार 19 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है भारत का दूसरा है और ब्राज़ील का पांचवा है। क्षेत्रफल के हिस्सा भारत का 2.41% है और ब्राज़ील का 5.6% है। विश्व में कुल जनसंख्या का हिस्सा भारत का जो है वह 17.5% है और ब्राज़ील का 2.78% है। जनसंख्या का औसत घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे अगर हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो 2010 के अनुसार 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।